हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए और पहली बार 400 सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है कई दशकों के बाद। मुझे पूरा विश्वास है 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे तो भाजपा का जाना तय है और कांग्रेस पार्टी को लोग एक बेहतर विकल्प मान रहे हैं। प्रियंका जी ने जो मेहनत करी है, हर मोर्चे पर गरीब, किसान, महिला, दलित, आदिवासियों के साथ खड़े रहे, हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है, सड़कों पर संघर्ष किया है और बड़ी ताकत के साथ पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही है। ना सिर्फ अनूपशहर, बुलंदशहर, लेकिन पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का परचम फैलेगा। सपा बसपा की सरकार जनता देख चुकी है, बदलाव चाहती है। योगी जी की सरकार का जाना तय है और प्रचंड बहुमत से ना सिर्फ इस सीट पे लेकिन अनेकों सीटों पे कांग्रेस पार्टी जीतेगी। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए यूपी की सियासत में जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, एक दल दूसरे को तमंचावादी बता रहा है, कोई कहता गर्मी निकाल दी जाएगी, ये जो भाषा का प्रयोग हो रहा है, बड़ा दुखद है। एक सभ्य समाज में, एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर इस प्रकार की भाषा अगर जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग करते हैं तो बहुत ही अनुचित उदाहरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा जिन लोगों से, जो लोग आज पदों में बैठे हैं, मुद्दों पे चुनाव लड़ें, अपने 5 साल के कार्यकाल की ताकत पे लड़ें। ध्रुवीकरण कर धर्म, जाति, बिरादरी, मंदिर, मस्जिद के नाम पर अगर वोट मांगेंगे तो जनता आपकी असलियत को पहचान रही है। बदलाव होगा और जिस प्रकार का माहौल निर्मित किया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक गलत परंपरा बन रही है। चुनाव लड़ना चाहिए मुद्दों के आधार पर, लेकिन दुर्भाग्यवश ये डबल इंजन की सरकार जो अपने आप को कहती है, ये पूरा इंजन ही सीज हो गया। योगी जी, जयंत की जोड़ी के बारे में क्या कहेंगे? अखिलेश और जयंत की जोड़ी के बारे में क्या कहेंगे? वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, उनके अपने अलग मुद्दे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, बसपा सपा कोई दल कांग्रेस के अलावा सड़कों पर उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दिया, इसलिए लोग सब जानते हैं कि इनको पहले परख चुके हैं, अब मारी कांग्रेस के आने वाली। योगी जी कह रहे हैं कि योगी जी अभी पीछे बुलंदशहर आए, योगी जी ने कहा कि लिफाफा नया है लेकिन माल वही सब पुराना गला सड़ा है। अब चक्कर क्या है कि मुख्यमंत्री जी पहली बार बने मुख्यमंत्री, अब उनकी अंदरूनी लड़ाई इतनी हो गई है, खींचतान इतनी हो गई है कि वो जो लखनऊ दिल्ली का खिंचाव है भाजपा का, वो सामने आ रहा है। एक दर्जन भाजपा के विधायक अपनी पार्टी छोड़ के चल छूटे, 3-3 मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में। तो ये जो अपने आप को जो हमारे सामने दृश्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, असलियत उससे परे है, जमीन खिसक रही है। सिटिंग पार्टी के एक दर्जन विधायक छोड़ के चले जाएं, मंत्री इस्तीफा दे दें, तो सब जानते हैं कि इस प्रकार का शासन रहा कोई खुश नहीं है। कांग्रेस कितनी अस्वस्थ अपने प्रत्याशियों, हमारा बहुत अच्छा परिणाम रहेगा, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब में हम सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा।